एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें एक अच्छा कैमरा हो एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर हो एक अच्छा बैटरी बैकअप हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फ़ोन लिया जाए क्या सैमसंग गलेक्सी एफ फिफ्टीन फाइव जी फ़ोन ठीक रहेगा या रेडमी थर्टीन फाइव जी लिया तो कौन सा फ़ोन लिया जाए समझ नहीं आ रहा तो फिर आप सही जगह हैं मैं इस वीडियो में फुल रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत सैमसंग गलेक्सी A15 फिफ्टीन फाइव जी फ़ोन से की जाए जो कि इस फोन के बॉक्स में हमें हमारा फ़ोन कुछ मेनोल गाइड सीम टूल किट एक सी टू सी टाइप केबल ही देखने को मिलती है जी हाँ इस फ़ोन के साथ में हमें चार्जर देखने को नहीं मिलता है तो चलिए फिर इस फोन के लुक एंड डिज़ाइन की बात करें जो कि इस फोन में हमें ग्लास फ्रंट प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक की बैक बॉडी देखने को मिलती है बैक ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है ओवरऑल लुक वाइज देखने में ये फोन काफी बढ़िया लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन भी काफी यूनिक है इस फोन के वेट की बात की जाए जो कि इस इस फोन का वेट 217 ग्राम से साथ ही नाइन पॉइंट हमें 9.3 एम mm की थिकनेस देखने को मिलती है ये फोन मुझे थोड़ा हैवी लगा तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फोन के डिस्प्ले की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें सुपर एमरा डिस्प्ले देखने को मिलती है विद नाइनटी हर्ट्स रिफ्रेश रेट इस फोन के डिस्प्ले हमें थ्री नाइनटी पी पी डेंसिटी का रेजोल्यूशन एट्टी सेवन पॉइंट जीरो परसेंट स्क्रीन टू तो बॉडी रेशियो सिक्स पॉइंट इंचज का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है हम इस फोन में सुपर एमले डिस्प्ले है अच्छी डिस्प्ले परफॉर्मेंस तो होगी ही तो चलिए फिर अब इस फोन के प्रोसेसर की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें मेरी टेक्डोमैची सिक्सटी वन हंड्रेड प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है विद सिक्स नैनोमीटर चिपसेट जो कि हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हेंस कर देता है साथ ही में इस फोन में हमें एंड्रॉयड फोटीन वर्जन सिक्स जी बी तक वर्चुअल डैमिक्स एंड मेमरी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है हम इस फ़ोन में बाकी इस फोन में सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं यानी कि ऑडियो एंड स्पीकर परफॉर्मेंस भी डिसेंट रहेगी बाकी लैग इशू तो काफ़ी कम देखने को मिलता है लेकिन चार्जिंग करने वक्त ई फोन थोड़ा हीट हो जाता है तो चलिए अब इस फोन के कैमरा फीचर्स की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 1.8 पॉइंट एट अपर चेरेट है दूसरा में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है विद 2.2 पॉइंट टू अपर चेरेट तीसरा और आखिरी हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है जो कि टू मेगा का है विद 2.4 पॉइंट फोर इस फोन का कैमरा 1080p एट ई तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी कैमरा की बात करें, जो कि इस फोन में हमें 13 मैगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, विद 2.0 अपर्चर रेट। साथ ही में इस फोन में हमें एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरामा, फूड नाइट, मैक्रो, स्लो स्लोमोशन, हाइपरलेप्स मोड जैसे कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं इस फोन का कैमरा टेन एक्स जूम तक सपोर्टेड है ओवरऑल काफ़ी बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस फोन का कैमरा डे लाइट के साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए भी बेस्ट रहेगा इनडोर एंड आउटडोर कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फोन के बैटरी बैकअप की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें 6000 हज़ार एम बैटरी देखने को मिलती है ये फ़ोन 25 फाइव वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है छः हजार एम बैटरी है अच्छा बैटरी बैकअप तो होगा ही नॉर्मल यूसेज करें तो इस फोन का बैटरी बैकअप आसानी से एटीन टू नाइनटीन आज तक का रहेगा फाइनली अब क्यों ना इस फोन के प्राइसिंग की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं पहले फोर जी बी रैम एंड वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस ऑनलाइन शोर्स पर थर्टीन थाउजेंड है दूसरा सिक्स जी बी रैम एंड वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस ऑनलाइन शोर्स पर फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तीसरा और आखिरी एट जी बी रैम एंड वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस ऑनलाइन शोर्स पर सिक्सटीन थाउजेंड है हमें तीनों ही वेरियंट्स पर ऑनलाइन शोर्स पर वन थाउजेंड का क्रेडिट का डिस्काउंट भी देखने को मिलता है ये फ़ोन तीन कलर वेरियंट में अवेलेबल है तो चलिए फिर ये तो थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस तो फिर अब क्यों ना इस फोन को साइड में रखा जाए और भरा जाए हमारे दूसरे फ़ोन की ओर जो कि रेडमी थर्टीन फाइव जी फोन है इस फोन के बॉक्स में हमें हमारा फ़ोन कुछ मैनुअल गाइड सिम इंजेक्टर टूल किट एक कवर केस कवर केस की बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है साथ ही में इस फोन के बॉक्स में हमें 33 थ्री वोट का सुपरबुक चार्जर सी टाइप केबल देखने को मिलती है यानी कि इस फ़ोन के साथ में तो हमें एक

मिलते हैं तो चलिए अब इस फोन के डिस्प्ले की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस फोन के डिस्प्ले हमें 396 पीपी डेंसिटी का रेजोल्यूशन 85.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 6.7 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है हमें इस फोन में बाकी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है तो चलिए फिर अब इस फोन के प्रोसेसर की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 एई प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 4 नैनोमीटर चिपसेट यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस तो इस फोन में भी काफी भरी रहेगी साथ ही में इस फोन में हमें एंड्राइड 14 हाइपर ओएस वर्जन हाइब्रिड सिम स्लॉट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर सिक्स जी बी तक वर्चुअल एम एक्शन मेमोरी देखने को मिलती है बाकी इस फ़ोन में आई पी फिफ्टी थ्री रेटिंग के साथ सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं यानी कि ऑडियो एंड स्पीकर परफॉर्मेंस तो इस फ़ोन में भी डिसेंट रहेगी यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इस फ़ोन की भी काफ़ी बढ़िया रहेगी तो चलिए फिर अब इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की बात की जाए जो कि इस फ़ोन में तो हमें डुअल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलता है जो कि 108 हंड्रेड का मेन कैमरा विथ 1.8 पॉइंट एट अपर्चर रेट है दूसरा हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है जो कि 2 मेगा का है विथ 2.4 पॉइंट फोर अप रेट इस फ़ोन का कैमरा टेन एटी तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है इस फोन की के सेल्फी कैमरा की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें थर्टीन मेगा का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विद टू पॉइंट रेट अपरचरेट साथ ही में इस फोन में एल फ्लैश एच पोर्ट्रेट नाइट टाइम लैब्स मोड जैसे कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं इस फोन का कैमरा टेन एक्स जूम तक सपोर्टेड है नो डाउट कैमरा परफॉर्मेंस तो इस फोन की भी काफ़ी बढ़िया रहेगी लेकिन सैमसंग के फ़ोन में इस फोन से कई गुना ज़्यादा कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं डे लाइट फोटोग्राफी तो इस फोन की काफ़ी बढ़िया है लेकिन नाइट फोटोग्राफी मुझे इस फोन की इतनी बढ़िया नहीं लगी तो चलिए अब इस फोन के बैटरी बैकअप की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें पाँच हजार एम एच बैटरी देखने को मिलती है ये फोन थर्टी थ्री वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है नॉर्मल यूसेज करें तो इस फोन का बैटरी बैकअप आसानी से ट्वेल्व टू थर्टीन आर्स तक का है फाइनली अब इस फोन के भी प्राइसिंग के की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं पहले सिक्स जी बी रैम एंड ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस ओन एर्स पर फोर्टीन थाउजेंड है दूसरा एट जी बी रैम एंड ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज जिस इसका प्राइस ऑनलाइन शोर्स पर ₹15,500 है। हमें दोनों ही वेरिएंट्स पर ऑनलाइन शोर्स पर ₹1,000 का कूपन डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। ये फ़ोन तीन कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। तो चलिए फिर, ये तो थी इस फ़ोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बेच रहेगा सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें जो कि इन दोनों फ़ोनों में प्राइस में तो काफ़ी डिफरेंस है हमें सैमसंग के फ़ोन के साथ तो चार्जर एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा अब इन दोनों फोनों की लुक एंड डिजाइन की बात करें जो कि देखने में तो ये दोनों फोन ही काफी बढ़िया लग रहे हैं डिस्प्ले परफॉर्मेंस तो नो no डाउट सैमसंग के फोन की ही बढ़िया रहेगी बैटरी बैकअप तो सैमसंग के फोन का ही बढ़िया रहेगा क्योंकि उस फोन में हमें छह हजार एम बैटरी जो देखने को मिलती है गेमिंग परफॉर्मेंस तो रेडमी के फोन की बढ़िया रहेगी क्योंकि उस फोन में हमें स्नैप ड्रैगन फोर जेन टू प्रोसेसर जो देखने को मिलता है चाहे Redmi के फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है लेकिन कैमरा परफॉर्मेंस तो 50 मेगापिक्सल जैसी ही लगी देखिए, अगर आपका बजट कम है या आपको एक गेमिंग फोन चाहिए तो नो डाउट Redmi का फोन भी सफिशियंट रहेगा वरना ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो Samsung का फोन ही एक ऑल इन वन बेस्ट फाइव फोन रहेगा